कई जनरेशन तक बेचे जाने के बाद आखिरकार फोक्सवैगन ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर आइकॉनिक कार बीटल का उत्पादन बंद कर दिया है। कंपनी की मेक्सिको फैसिलिटी से आखिरी फोक्सवैगन बीटल रोल आउट की गई है। डेनिम ब्लू कलर वाली आखिरी बीटल को बाजार में बेचा नहीं जाएगा, बल्कि इसे कंपनी हेरिटेज की यादगार के तौर पर फोक्सवैगन के पुएब्ला लोकल म्यूजियम में रखेगी। फोक्सवैगन डे मेक्सिको जल्द ही अपने सारे रिसोर्स नॉर्थ अमेरिकी बाजार के हिसाब से कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाने पर लगाने वाली है, जिसकी जगह कंपनी के कार लाइनअप में टिगुआन से नीचे की होगी। BMW ग्रुप ने मिनी कूपर एसी से पर्दा हटा लिया है। ब्रिटिश कार ब्रांड की ये पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे बहुत सारे कयासों के बाद पेश किया गया है। मिनी कूपर एसी को उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो BMW i3 में इस्तेमाल हुआ है। यह फ्रंट व्हील ड्राइव हैचबैक है जो अपनी जर्मन सिबलिंग के मुकाबले बेहतर पावर और परफॉर्मेंस फिगर्स में आती है। इसके साथ ही कार में अलग लिथियम आयन बैटरी रेंज दी गई है। दिखने में मिनी कूपर एसी सामान्य कूपर एस पेट्रोल जैसी ही है और इसके एक्सटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। ये इलेक्ट्रिक हैचबैक 184 bhp पावर और 270 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में कार सिर्फ 3.9 सेकंड लेती है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ने के लिए इसे 7.3 सेकंड का समय लगता है। मिनी की इलेक्ट्रिक कूपर एसी में 32.6 किलोवाट आवर बैटरी लगी है और एक फुल चार्ज में कार को 235 से 270 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। Porsche Macan फेसलिफ्ट भारत में 29 जुलाई को लॉन्च की जाएगी। पहली बार 2014 में लॉन्च की गई एसयूवी को लंबे समय से अपडेट की जरूरत थी, जो होने वाला है। मकान फेसलिफ्ट को अपडेटेड स्टाइल दी गई है जो नए जनरेशन कायन से इंस्पायर्ड है। कार के डिजाइन, कंफर्ट, कनेक्टिविटी और ड्राइविंग डायनामिक्स और बेहतर किए गए हैं, जो इसे सेगमेंट की फ्लैगशिप स्पोर्ट एसयूवी बनाते हैं। एसयूवी के अगले हिस्से को दोबारा डिजाइन किया गया है जिससे ये और भी चौड़ी दिखती है। बड़ा बदलाव एसयूवी के पिछले हिस्से में हुआ है और पिछले डिजाइन की तुलना में ये स्लीक डिजाइन वाला है। Porsche Macan में बदला हुआ डैशबोर्ड लगाया है जो 11 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ आता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नए Porsche कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से लैस है। एसयूवी के एयर वेंट्स दोबारा डिजाइन की गई है और इसे GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग भी मिला है जो 911 जैसा है। Macan फेसलिफ्ट का बेस मॉडल 300 bhp पावर वाले इंजन से लैस है, वहीं Macan S में 355 bhp इंजन लगा है। कार के टॉप मॉडल Macan टर्बो में 434 bhp पावर जनरेट करने वाला इंजन लगाया गया है।